के हवाले से जहाँ तक अपडेट्स हैं जी, एमडी कैट के लिए आज दो पिटिशंस लाहौर हाईकोर्ट में लगी हुई थी और कल भी दो पिटिशंस हाईकोर्ट में लग रही हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका ख्याल है कि पता नहीं रिलीफ मिले या ना मिले, मगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टूडेंट्स के हक़ में कि पीएमसी का जो लॉ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क का एमडी कैट एक ही दिन में होगा और इस कंप्यूटर टेस्ट लेने वाली कंपनी टेप्स ने ये टेस्ट 30 दिनों में लिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 30 दिन में जो एंटी टेस्ट लिया गया है वो उस जो एक्ट है असेंबली का उसकी वॉयलेशन है और उस वजह से प्रॉब्ली इनको रिलीफ मिल जाएगा और ये टेस्ट जो है नेशनल एमडी कैट ये सेटिसाइड होगा और इसके बाद एक दोबारा इम्तहान प्रॉब्ली वेरी सून इंशाल्लाह कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी इस पर अदालतों की जजमेंट्स आना बाकी हैं। पेशावर हाईकोर्ट में भी ये केस आज लगा हुआ था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पिटिशंस लगी हुई हैं और बहुत जल्द जो है आई थिंक कल भी दो पिटिशंस फाइल हो रही हैं, हमारे लॉयर भी एक पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी लीगल पॉइंट्स पे ये टेस्ट उड़ जाएगा और स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी भी पिटिशंस जो जो लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें, एक दूसरे के साथ मिल के रबते में रहें, वकला का रबता करवाएँ ताकि हमारी साइड से भी 10 से 15 वकील जो हैं वो एक केस में पेश हो रहे हों। मतलब जो मल्टीपल ब्रेन्स जो हैं वो सोच कर अपना फ़ैसला कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है इंडिविजुअल फ़ैसलों से। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम लिटिगेंट से कि जिन जिन्होंने पिटिशंस फ़ाइल की हुई हैं वो प्लीज़ मेरे से रबता कर लें। हम लॉयर्स की एक कंबाइंड मीटिंग लाहौर में करवा रहे हैं, बाकी शहरों वाले भी आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें क्योंकि इंडिविजुअल केसेस जो कि जिनमें लॉयर्स एक दूसरे की बात ना सुन रहे हों या इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हों उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिस आउट हो सकते हैं। उसके अलावा भी हमारी 2 से 3 पिटिशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं। एनएलई पे हमारी इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग है, पीएमसी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया हुआ है, वो 20th को लगी हुई इस मंथ, और उसके अलावा एक और कंपनी है जिन्होंने कुछ इनकी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको चैलेंज किया हुआ है। तो ओवरऑल एक मेरा ख्याल है कि जो कंबाइंड लीगल एफर्ट होनी चाहिए बजाय इसके कि इंडिविजुअल लीगल एफर्ट हो। आज मेरी अज़र सदीक साहब से भी मीटिंग हुई है, वो भी इस हवाले से पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे जितने भी लोग लिटिगेंट्स हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। हम सैटरडे को 4 बजे शाम पीएमए हाउस लाहौर पे 66 फिरोजपुर रोड लाहौर पे पीएमए ट्रेड सेंटर है उसके 2nd फ्लोर पे हमने मीटिंग रखी है। तो लिटिगेंट्स जितने भी हैं वो प्लीज़ ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इससे पहले भी अगर कोई मिलना चाहता है तो वो राबता कर ले।